अरे बेटा नमस्कार, मैं हूँ किशन वर्मा और एक बार फिर से जुड़ गए आप न्यूज 24x7 आवाज आपकी के साथ। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ देवा के रेलवे ट्रैक पे, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं किसानों का जोश, देख सकते हैं बच्चे तक इनके साथ हैं और सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। इस रेलवे ट्रैक को यहाँ किसानों ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये गांव के लोग सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि आज जो 27 सितंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, ये ऐलान सिर्फ ऐलान नहीं था, इसे फरमान चढ़ाना जरूरी था। अभी मैं इस यहाँ पे जितने भी किसान लोग बैठे हैं इन लोगों से आपकी बात कराऊंगा। ये जो नारे लगा रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के, शायद इन बच्चों को इस आंदोलन का मतलब ना पता हो, लेकिन ये आने वाला भविष्य है, आने वाली वो पीढ़ी है जो देश को संभालेगी, जो देश के लोकतंत्र को संभालेगी। यहाँ जितने भी किसान लोग बैठे हैं, मैं इनसे आप लोगों की अभी मैं बात करवाऊंगा और देखेंगे कि किस तरीके से जो ये किसान है इस रेलवे ट्रैक को यहाँ पे इन्होंने जो देवा गांव में जाम कर रखा है, और हालांकि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए। मैं थोड़ी सी और तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सरकार के खिलाफ ये रोष, सरकार के खिलाफ ये गुस्सा, ये साफ साफ बताता है कि अब भारत का जो किसान है वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े किसान तक जो है शामिल हो चुका है। यहाँ पे जितने भी मेरे साथ ये किसान भाई बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी, आप में से सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। तो आज ये जो गांव के लोग हैं इन्होंने ट्रैक रोका है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था, तो इस गांव के जितने भी किसान हैं उनका क्या रुझान है? रुझान अच्छा है, सारे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और जब तक हमारा आदेश नहीं आएगा इतने ट्रैक पे बैठे रहेंगे, और जब तक जो भी आदेश ऊपर कमेटी का रहेगा हम यहाँ पे धरना दे रखेंगे। अगर वो 4 बजे की कहेंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे, अगर वो कहेंगे अस्थायी रूप से लगाए रखेंगे तो यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये जो ट्रेन है ये अभी फिलहाल यहाँ किस टाइम आई थी? ये 6:30 बजे आई थी, और 6:30 बजे हमारा आंदोलन शुरू हो गया था, और सुबह 6 बजे हमारा आंदोलन शुरू हो गया था। 6:30 बजे पहले रेल आई थी, इससे पहले सरकार ने हमारे किसान भाइयों को मारने के लिए इतनी चाल चली है। जब हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर रखा है एक महीने से पहले, आपके मीडिया के माध्यम से भी जैसे भी सभी को पता है कि भी 27 तारीख को भारत बंद है, तो भी इन्होंने रेल चलाई। 5:30 बजे हमारे गांव में आती है, बिल्कुल, और उसके बाद 6:30 बजे यहाँ किसान 6 बजे मौजूद हो गए थे देवा मुकलान से, बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के जो कमेटी है उन्होंने ये कह रखा था कि देवा के अंदर मेन सेंटर बनेगा, देवा मुकलान के अंदर। ये 2 गांव की ही ड्यूटी थी। अच्छा, पिछले आज 27 सितंबर है, और पिछले लगभग 1 महीने से जो किसानों ने सरकार को चेता दिया था कि 27 तारीख को जो भारत बंद रखा जाएगा, उसके बावजूद भी जो ट्रेन चली है, उसके बावजूद जो भी सरकारी सेवाएं वो चल रही है, तो किसानों का कहना कि ये एक साजिश है सरकार की। इसको ऐसे था, हमने इसको रोकी ना, जब इसको सामने आके रोक किया, अगर ये ड्राइवर ने चलाते हम एक बार रोकने का लाट, हमारा जो लाट था वो हमारा वहां था घाटे ऊपर, हमने पहले कह रखा था कि हम घाटे को ऊपर रोकेंगे, हमारा ट्रंक वहां है। जो इन्होंने किसानों के साथ सरकार ने कर्मचारियों ने हमारे साथ ये करा गुस्ताखी कि इन किसानों को मार दिया जाए, किसी ट्रंक पर दाग दो, तो ये है किसान कभी हार नहीं मानेंगे। जब तक ये कहेंगे, जब तक संयुक्त मोर्चे का जो भी आदेश आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे वो जेल के लिए हो चाहे रेल के लिए हो। अगर वो कहें कि परमानेंट बंद कर दो तो हम आज परमानेंट बंद करने के लिए, हमारा देवा मुकलान चुच्ची बच्चा आप देख रहे हो, घर से बच्चा बच्चा लेकर के आए, महिलाएं भी हैं और भी हैं, लंगर की व्यवस्था है, जितनी और भी आएंगे तो उसके लिए सारी व्यवस्था है। ऐसा नहीं, किसान सबको देने वाला है, पेट भरने वाला है। हमारे यहाँ भी आएंगे तो कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, अभी देख रहे प्रशासन ने तो यह सुबह भेज दिया था,
4:30 बजे इनके गांव वाले इनकी लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार का इनका कोई प्रबंध नहीं आता, आप उन पुलिस कर्मियों से पूछ रहे। जी हाँ, किसान अन्नदाता है। बार बार वही बात कहता हूँ कि वो किसान जो खेतों में हल चलाता है वो अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए आज इस रेलवे ट्रैक पे आ चुका है। क्या किसान की जगह ये रेलवे ट्रैक है या उसका वो खेत है जिसे वो अपने बच्चों की तरह पालता है? न्यूज 24x7 से मैं किशन वर्मा लाइव अपडेट के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो किसान है देवा मुकलान का जो ट्रैक है इस ट्रैक को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटे से छोटा बुजुर्ग से बुजुर्ग जो बच्चा है वो यहाँ पे शामिल हो चुका है। ये वो ट्रेन है जो आज सुबह 6:30 बजे जिसमें को बताया था कि सुबह 6:30 बजे इस ट्रेन को रोका है। और हालांकि इसको रोकने की जो जगह थी वो पहले की थी, लेकिन काफी दूर तक जो है ये ट्रेन चल के आई है। तो ये चीजें क्या बताती है, क्या तस्वीर पैदा करती है, जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 24x7 आवाज आपकी के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।